इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में शनिवार यानी कि 23 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में आरसीबी की टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पूरी टीम महज 68 रनों पर सिमट गई। आईपीएल के इतिहास का छठा और आरसीबी का ये दूसरा सबसे कम स्कोर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के इस लक्ष्य को एक विकेट खोकर सिर्फ 8 ओवर में ही पा लिया था। एसआरएच इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। हैदराबाद ने अभी तक इस सीजन में 5 जीत दर्ज कर ली है। आरसीबी की ओर से सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल और सुयर्ष प्रभुदेसाई ही दोहरे अंक में पहुंच सके। खास बात ये रही कि पूर्व कप्तान विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। सनराइजर्स की ओर से टी नटराजन और मार्को जॉनसन ने 3-3 विकेट चटकाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खराब प्रदर्शन से 23 अप्रैल की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल का आरसीबी से खास नाता रहा है। इसी दिन आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का सबसे कम और सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। साथ ही आरसीबी के ही एक बल्लेबाज ने इसी दिन रिकॉर्ड तोड़ पारी की थी। 23 अप्रैल के साथ आरसीबी का खास नाता रहा है। साल 2013 में इसी दिन क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 67 गेंदों पर नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान गेल ने 30 गेंदों पर शतक जड़ दिया था, जो आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक था। अपनी पारी में गेल ने 17 छक्के और 13 चौके जड़े थे। आईपीएल में अब तक किसी भी बल्लेबाज की ओर से एक पारी में बनाया गया ये सबसे ज्यादा स्कोर है। गेल की इस पारी की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 263 रन बनाए थे। आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का ये सबसे बड़ा स्कोर है। अब बात करें आरसीबी के 23 अप्रैल के नाते की, तो 2023-23 अप्रैल को 263 रन पर 5 विकेट खोकर सर्वाधिक स्कोर बनाया था आरसीबी ने। वही 23 अप्रैल 2017 की बात की जाए तो आईपीएल का सबसे लो स्कोर हासिल किया था आरसीबी ने, वो भी 49 रनों का। जी हाँ, इस वक्त टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई थी। 23 अप्रैल 2022 की बात की जाए तो 68 पर आरसीबी ऑल आउट हुई है और फिर उन्होंने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, साल 2017 के सीजन में 23 अप्रैल का दिन आरसीबी के लिए कभी ना भूलने वाला दिन साबित हुआ। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी की टीम 49 रनों पर सिमट गई थी। यह आईपीएल के इतिहास का सबसे कम स्कोर है। 132 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए कोई भी खिलाड़ी दोहरे अंक में नहीं पहुंच पाया था। तत्कालीन कप्तान विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। आपका क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।